वैसे तो देखा जाए तो योग में काफी स्टेप होती है जो व्यक्ति प्रातः काल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ योगा की आसान स्टेप जिनसे आपको मिल जाएगा कई सारी बीमारियों से हद तक आराम। योगा की सबसे पहली स्टेप भुजंग आसन। इस आसन से व्यक्ति डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। कमर का दर्द, गर्दन दर्द, कंधे में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है। शरीर की हड्डियां भी इससे काफ़ी मजबूत होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ यह है कि यह शरीर में बढ़ने वाले मोटापे चर्बी को कम करता है। भुजंग आसन को करते समय व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से पीछे की तरफ झुकाव करे। पेट में दर्द और पीठ में होने वाले दर्द में इस योगासन को बिल्कुल भी न किया जाए। हार्निया के रोग से ग्रसित व्यक्ति ये आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह आसन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम बात करते हैं मत्स्य आसन की। इस योग आसन से शरीर को काफ़ी मजबूती प्रदान होती है। इसे व्यक्ति के चेस्ट और फेफड़ों का विकास होता है। महिलाओं में गर्भाशय, मासिक धर्म जैसे रोग ठीक हो सकते हैं। पेट की चर्बी कम होती है। खांसी जैसी समस्याओं को ये समाप्त कर देता है। मत्स्य आसन के बीपी के पेशेंट जिनका हाई और लो होता है, उन पेशेंट को इस प्रकार के आसन नहीं करना चाहिए। गर्दन या पीठ के निचले वाले हिस्से में पेन हो, ऐसे समय व्यक्ति को इन आसन को कतई न करे। माइग्रेशन, डिप्रेशन जैसी समस्या से ग्रसित व्यक्ति यह आसन नहीं उपयोग करना चाहिए। और तीसरा आसन बताने जा रहे हैं हम, नौका आसन। ये आसन शरीर के पेट और साइड की चर्बी को कम करता है। पेट, कमर और रीढ़ की हड्डियों में लाभ देता है। डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को काफ़ी फायदेमंद इस आसन से हो सकते हैं। शरीर के कंधों, घुटनों में दर्द होने पर इस प्रकार का आसन हमें नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस प्रकार के आसन से चक्कर आते हैं उनको भी यही नहीं करना चाहिए। जब लोकल 18 की टीम ने योग ट्रेनर संजय चौरसिया से बात की तब उन्होंने बताया कि ये तीन आसन व्यक्ति को कम से कम अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। 30 सेकंड से शुरू कर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक व्यक्ति इस तरह के आसनों को कर सकता है और काफ़ी हद तक बीमारियों से उनको इन आसनों से लाभ मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया, योगा ट्रेनर। आज मैंने जो आसन किए थे, भुजंग आसन, नौका आसन और मस्त आसन, इन तीनों के मैं लाभ बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले भुजंग आसन। ध्यान रहे, कोई भी आसन करने के पहले हमें खाली पेट होना चाहिए और उसके बाद जो इस क्रिया को किया जाता है, इस आसन को किया जाता है, सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं। श्वास भरते हुए हम यथासंभव जितना पीछे हम जा सकें उतना हम पीछे जाएंगे, श्वास को रोक के रखेंगे। इसका इनिशियल टाइम मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम जितनी देर आप श्वास भर के फेफड़ों में रोक सकें उतनी देर इसे कर सकते हैं। इसके लाभ हैं, पाचन क्रिया अच्छा होता है, दूसरी बात थायराइड में आराम मिलता है, तीसरी बात मेरुदंड हमारा मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, चौथी बात पेट की चर्बी है धीरे धीरे इससे कम होती है। यह तो फायदा हो गया। नुकसान इसके ये हैं, बैक साइड हम जितना हम पीछे जाते हैं जोर जबरदस्ती के साथ नहीं जाएंगे। अगर किसी को पेट दर्द है या फिर रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो इस क्रिया को ना करें। दूसरा आसन था हमारा मस्त आसन। मस्त आसन करने से हमारे पैर की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है, हमारी स्पाइन कॉर्ड बहुत मजबूत हो जाती है इससे, अगर हम नियमित रूप से करते हैं। और तीसरा आसन है हमारा नौका आसन। नौका आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फायदेमंद है, पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है इससे, और इसके अलावा हमारे पेट की जो चर्बी है इससे कम होती है। और ध्यान रहे, कोई भी आसन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। सभी आसन जो तीनों मैंने बताए, इनिशियल टाइम 35 सेकंड, 30 सेकंड और अधिक से अधिक 1 मिनट या 2 मिनट तक आप कर सकते हैं यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर इन आसनों को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। इसे कीजिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।